एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पे 1821 में पहली बार कदम रखा गया। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं और एंटार्क्टिका दुनिया का 5वां लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो पूरा का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। ये बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर नीचे तक बर्फ ही बर्फ मौजूद है, और इस कॉन्टिनेंट का 97% हिस्सा इसी बर्फ से कवर है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 और इंडिया जैसे 7 मुल्क आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर ये एक साथ पिघल जाए तो दुनिया भर के समंदरों में 200 फीट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर के 7% जितना हिस्सा एंटार्क्टिका में आइस शील्ड की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन एंटार्क्टिका का टेम्परेचर पूरा साल ही -50 डिग्री से -90 डिग्री रहता है। यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग ना होने के बराबर है। हत्ता के पूरे एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 ही ATM मशीन्स मौजूद हैं। यहाँ गर्मियों में मुसलसल 6 महीने दिन रहता है और सर्दियों में मुसलसल रात। ना ही यहाँ कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस ज़मीन पर किसी का कब्जा है। 6 महीने तक सूरज के तुलुब और ग्रुब होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। यही वजह है यहाँ कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का यही कहना है कि एंटार्क्टिका की इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और बाज़ लोगों के मुताबिक इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। बाज़ लोगों का कहना है कि बर्फ के नीचे एलियंस की स्पेसशिप फेरोजन हालत में मौजूद है। आज से लगभग 11,000 साल पहले एक नेचुरल डिजास्टर आया था, जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जिसके लोग खुद को खुदा मानते थे। उस शहर का नाम एटलांटिस था। कहा जाता है कि एटलांटिस का गुमशुदा शहर भी एंटार्क्टिका पे मौजूद बर्फ के बड़े पहाड़ों के नीचे कहीं खोया हुआ है, जिसका मतलब है कि इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ही से राज दफन है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट एंटार्क्टिका के इस राजों को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और रिसर्च के दौरान इनको बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने के बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहें कि एंटार्क्टिका की मिस्ट्रीज सुलझने के बजाय और भी उलझ रही हैं। एंटार्क्टिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो कि बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे से एक बिल्ली का ढांचा मिला था, जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए। हैरत की बात यह है कि ये ढांचा कोई आम बिल्ली का नहीं, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली का ढांचा है। रिसर्च से मालूम हुआ है कि ये जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर मौजूद था। 1911 में एंटार्क्टिका में सबसे पहला मेटियोराइट मिला था, और तब से लेके अब तक इस कॉन्टिनेंट पे तकरीबन 4,500 से भी ज्यादा मेटियोराइट मिल चुके हैं। मेटियोराइट शक पत्थर को कहा जाता है। इनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूटकर आते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक ये मेटियोराइट 7.5 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में यहाँ से एक छोटा मेटियोराइट डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये मेटियोराइट मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियाँ मिली, जो एंटार्क्टिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनके सर इंतहा से ज्यादा बाहर थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पीरू से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि शायद हजारों साल पहले एंटार्क्टिका में लोग रहा करते थे, जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी जरूर मिलता होगा। 1911 में टेलर नामी साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहाँ पानी की जगह बुलेट फॉल होता है।
और इस मुकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है, क्योंकि कई सालों तक यही माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है। लेकिन रिसर्च से मालूम हुआ कि ग्लेशियर के अंदर एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है और इस पानी में समंदर के पानी से ज्यादा साल्ट मौजूद है और साथ ही पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब यह पानी ग्लेशियर से निकलता है तो आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनता है और पानी रेड कलर में बदल जाता है। इस ही पानी में 17 टाइप्स के बैक्टीरिया डिस्कवर हुए थे और हैरत की बात ये थी कि बैक्टीरियास को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं थी। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर होते हैं जहां ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी ज़मीन पर कहां से आए, ये एंटार्क्टिका की मिस्ट्री को उलझा रहा है। साइंटिस्ट को 1.5 करोड़ किलोमीटर पर फैले इस कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि आज से लाखों साल पहले एंटार्क्टिका में लाइफ एग्जिस्ट करती थी या फिर ये जगह रहने के काबिल थी।